हेलो, मैं हूं अजय कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रोजाना क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, 10 क्लास की सभी विषय सूची के बारे में कौन कौन सी विषय हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा पहला अध्याय था वास्तविक संख्याएँ। हाँ, ये जो हमारा पहला अध्याय था वास्तविक संख्याएँ, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.1। हाँ, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा था हिंदी में। हाँ, ये मैथ का जो हमारा क्लास चलेगा सिर्फ हिंदी में चलेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं है और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से हम आज का क्लास करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि प्रश्नावली 1 में हमें बताया गया है, क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करें। हाँ, HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। आपने बचपन में पढ़ा होगा मोसो निकालना, मोसो जानते होंगे। तो लेकिन यहाँ पर मोसो ही हमें निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 135 और ये 225 है, ठीक है। तो देखिएगा, तो जैसे कि हम a बराबर आपका मान लेते हैं 225 और b बराबर 135। ऐसा क्यों किए? क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या को, सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किस प्रकार किया जाएगा कि ए बराबर जो होती है वो बी क्यू प्लस आर, ये है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, ए क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो चलिए, अब हम पहला जो हमारा क्वेश्चन था 135 और 225 का जो HCF निकालने बोला है यूक्लिड विभाजन के तौर पर, तो देखिए हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। वीडियो पर आप लोग बने रहिए। तो देखिए, 135 और 225, 135 एकम 135, अगर हम दो बार देते तो 135 से ज़्यादा, 225 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो 0 और 12 में यहाँ से एक पंजा लिए, 12 में 3 गया तो 9 बचा, ये कट गया। तो अब मौसम हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में ये रहता तो हम लोग अलग करते, लेकिन मौसम में क्या करते हैं, इसको यहाँ से घुमा देते हैं और ये जो संख्या है इसको यहाँ पर फिर लिखेंगे। अब 90 का टेबल में पढ़ेंगे कि 135 आती है या फिर उससे कम आता है, तो ठीक है, 90 एकम तो 90 हो जाएगा, 90 दुना 180 हो जाएगा। तो दो बार में तो नहीं जाएगा क्योंकि 180 135 से बड़ा हो जा रहा है 180, तो हम छोटी संख्या लेंगे। 90 एकम 90, 5 में सुना गया 5, 13 में 9 हो गया तो 4, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे ऐसे करके और फिर अब ये संख्या को लेंगे 90, तो 45 2 90, ये कट गया यानी कि 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमारा कौन सा संख्या था, ये 225, इसको लेंगे। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये हम करेंगे। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो बड़ी संख्या है वो क्या है बीच की, 225, तो 225 बराबर यहाँ लिखना है क्योंकि a बराबर जो होती है वो बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। तो 135, ये 135 गुना 1 जोड़ 90, 135 गुना क्या है हमारा, 1 जोड़ 90, ठीक है। ये तो 225 का हो गया, फिर हम किसका करेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या है नीचे में, इसका और इसके बीच में जो ये बड़ी संख्या है, 135 का इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग। 135 बराबर क्या है, 90 गुना 1 जोड़ 45, 90 गुना 1 जोड़ 45, ठीक है। फिर आगे क्या है, 90, फिर 90 का भी इसी प्रकार करेंगे, 90 का भी 45 गुने 2 जोड़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए, हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि जब हमें r बराबर यानी कि रिमाइंडर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो आगे हम हल करना बंद
कर देते, ठीक है। तो हमारा इसमें जो HCF निकला वो क्या निकला, 45। तो ये हमारा 45 इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 196 और 38220, ठीक है। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, 196 और 38220, यही क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको भी हम लोग HCF निकालेंगे। तो A बराबर जो हमारी बड़ी संख्या है वो है 38220, और जो B बराबर जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 196, क्योंकि ये बड़ी संख्या A मानते हैं और छोटी संख्या को हम लोग B मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। तो देखिए इसका भी हम लोग यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला, मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि BQ प्लस R होती है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यूक्लिड विभाजन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग निकालेंगे। अब 196 और क्या है, 38220। अब हम लोग इसको किस किस प्रकार निकालेंगे। अब 196 है, अब इसका मल्टीपल कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कितना होगा। तो 196 को डायरेक्ट अगर हम 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38220 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जब पूरा कट जाएगा तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो फिर हम यूक्लिड विभाजन से किस प्रकार लिखेंगे कि हम लिखेंगे 38220 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 196 इंटू 195 प्लस जीरो। तो हम क्या लिखेंगे कि जब हमें R बराबर जीरो प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो HCF निकला वो क्या निकला दोस्तों, ये 196 जो हमारा HCF निकला, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, ध्यान से एक बार देखिए। यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या था, 867 और 255, ये जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में क्या था कि हमारा क्वेश्चन था 867 और 255, यही हमारा क्वेश्चन था 3 नंबर में। तो चलिए इसको भी हम लोग मौसम निकालेंगे। हम A बराबर क्या लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है क्या है, 867, और B बराबर जो क्या लिखेंगे, 255, क्योंकि B बराबर हमारी छोटी संख्या है, A बराबर बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसका जो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है A बराबर BQ प्लस R, ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग मौसम निकालेंगे किस प्रकार, 867 को 255 से मौसम करेंगे तो 255 एकम, और एक बार में तो नहीं जाएगा, दो बार में भी नहीं, तीन बार देके देखते हैं दोस्तों। तीन बार में कितनी आती है कि तीन बार में हमारा 765 आती है। 255 को जब तीन बार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 765 आती है। तो इसमें माइनस करेंगे, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से इस प्रकार घुमा देंगे और हमारा क्या है ये 255 हम यहाँ लिख देंगे। अब 102 का टेबल कितना बार करेंगे कि 255 आएगा, दो बार करते हैं तो 204 आती है, हाँ दो बार में आ जाएगी 204। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, ये कट गया, अब ये हमारा 102 आ गया। 51 का टेबल में तो हाँ दो बार में 102 आ जाती है, तो ये कट के 0 आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आगे हम उसी प्रकार करेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रकार से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे करेंगे कि ये जो है 867 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 255 इंटू 3 प्लस 102 इंटू 3 प्लस 102, ठीक है। उसी प्रकार 255 का करेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर हम लोग 102 का करेंगे क्या होगा, 51 इंटू 2 प्लस 0। जब हमें
आर बराबर मैंने कि रिमाइंडर बराबर अगर जीरो प्राप्त हो जाती है तो हम आगे हल करना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसका जो एच सी एफ निकला वो क्या निकला, 51, यानी कि एच सी एफ इजिकल्स टू 51, ये हमारा राइट आंसर है। तो चलिए ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का, वो देखिए क्या है कि कहता क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दर्शाना क्या है हमें, दर्शाना है क्या कि a बराबर 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ठीक है, तो चलिए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b बराबर 6 होगा। ठीक है, तो चलिए जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं जो शेषफल क्रमशः क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं, जहां 0 <r>b। ठीक है, तो देखिए यहां क्या है, यहां a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी क्या होगी, विषम संख्या होगी, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या होगा, आइए देखते हैं। तो शेषफल होगा क्या, हमारा विषम संख्या शेषफल प्राप्त होगी, तो क्या होगी शेषफल, 1 या 3 या 5। तो यूक्लिड विभाजन के तौर पर हम कैसे देखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पाते हैं क्या, a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ये हमारा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है दोनों समूह को। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब पूछ रहा है कि स्तंभ जो है सबसे अधिकतम संख्या स्तंभों की क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, 616 और क्या है 32, यानी कि HCF जो होगा वो क्या होगा, 616 और 32 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यानी कि A बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616 और B बराबर क्या है 32। लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या को A तथा सबसे छोटी संख्या को क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार जो हम कर रहे थे 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है, तो आप लोग बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होती है ना। तो चलिए हम लोग उसका अब मोसो निकालेंगे, किसका, 616 और 32 का। तो कितना बार में जाएगा, 32 से कम 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया, बच गया हमारा यहाँ पे 2, ये 6 उतरेगा। फिर 32 का पारा अगर 9 बार पढ़ते हैं तो ये 288 आ जाती है। 16 में 8 गया, एक पंचा लिए, 16 में 8 गया 8, 8 में 8 गया ये 0, 0, यानी कि 8 बच गया, ठीक है। तो ये अब हम लोग यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखते हैं कि 616 बराबर 32 गुने 8 जोड़ 0, ठीक है। तो अब लिखेंगे जब हमें r बराबर 0 यानी कि रिमाइंडर जो सेसफल होती है वो 0 प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो b बराबर क्या निकली, वो 8 निकला, जो b बराबर हमारा HCF था वो 8 निकला, ठीक है। तो b का मान क्या होती है, HCF होता है, ठीक है। इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या होगी, 8 होगी, यही हमारा राइट आंसर था। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।